तो यार काफी टाइम बाद नॉइज ने की है वापसी स्मार्ट वॉच में और लेकर आई है एक बजट स्मार्ट वॉच जो क्या है नॉइज कलर फिट इम्पैक्ट। ये स्मार्ट वॉच आप लोगों को काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिलने वाली है। तो चलते हैं इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स में, कैसी दिखती है स्मार्ट वॉच। यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यार ये चीज देखकर मैं शॉक्ड हो गया था इस प्राइस रेंज में। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई ऐसी सारी चीजें हैं जो नॉइज वाले बहुत ही कम प्रोवाइड करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी कभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ऊपर ही आपको वॉच की प्रिंटिंग, ब्रांडिंग और साइड में ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिलते हैं। बैक साइड में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड, एक मिलता है वारंटी कार्ड, कुछ यहाँ पे आप लोगों को स्टिकर्स भी मिल जाएंगे, एक पोको पिन वाला चार्जिंग केबल मिल जाना है एंड ये रही स्मार्ट वॉच जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है कंसीडरिंग द प्राइस। सेटअप एंड एप्लीकेशन की बात करूं तो नॉइज फिट फोकस करके एप्लीकेशन आती है, उसके थ्रू आप लोग इस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर लोगे। बिल्ड एंड डिजाइन पे आते हैं, यहाँ पे आप लोगों को रेक्टेंगल शेप में स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, एप्पल वॉच टाइप वाला डिजाइन देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत आपको। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्किंग क्रॉन प्रोवाइड किया गया है जो काफी स्मूथली वर्क करता है, साथ ही साथ मेटेलिक फ्रेम दिया गया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मार्ट वॉच बना देती है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बैक साइड में ग्लास फिनिश देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक तरफ माइक दूसरी साइड स्पीकर मिल जाना है। ओवरऑल यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है यार, 1700 रुपए में और क्या ही लोगे। 22mm का स्ट्रैप है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, इचिंग रैशेस या स्वेट जैसी आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाले हो। इस स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 2 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त लगी यार, शार्पनेस, कंट्रास्ट, सारी चीजें बैलेंस देखने को मिलेगी। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है जिसकी वैसे इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर आप कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे। इनफैक्ट मैंने आउटडोर में जाके काफी ज्यादा एक्टिविटी करी थी स्मार्ट वॉच को पहनकर, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं आउटडोर में आप लोगों को विजिबिलिटी कैसी मिलेगी। अभी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में आप लोग कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो और कस्टम वॉच फेस की क्वालिटी भी सही निकल कर आती है। बात की जाए इस स्मार्ट वॉच की हाइलाइट्स की तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, हेल्थ ट्रैकर्स में हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड, स्ट्रेस मॉनिटर और BP मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स तो मिलते ही हैं। साथ ही साथ आप लोगों को फीमेल हेल्थ ट्रैकर का भी सपोर्ट मिल जाना है। इसके अलावा बेसिक फीचर्स में कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, फाइंड माई फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और टॉर्च जैसे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। यहीं इसके फीचर्स खत्म नहीं होते यार, वाटर रेजिस्टेंट में IP67 की रेटिंग मिल जानी है, बारिश वगैरह में यूज कर लोगे बट स्विमिंग नहीं कर पाओगे, 100+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जो कि ठीक ठाक वर्क करते हैं, ज्यादा रिलायबल नहीं है। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को गेम्स भी मिल जाएंगे तो टाइम पास के लिए चाहो तो खेल सकते हो। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यार 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप इजीली प्रोवाइड कर देगी, कॉलिंग के साथ 2 से 3 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एक्यूरेसी पे आते हैं तो इस स्मार्ट वॉच को यार मैंने पहनकर इसका हार्ट रेट टेस्ट किया और कंपेयर किया अपने ऑक्सीमीटर से, एट दी एंड जो रिजल्ट निकल कर आया है अभी आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ही मैच हो जाती है इसकी रीडिंग ऑक्सीमीटर से। वही बात करूं मैं SPO2 की तो यहाँ पे भी कमाल का काम कर रही है बट कभी कभी बेकार रीडिंग देती है, अभी आप देख सकते हो 1 से 2 रीडिंग का फर्क देखने को मिल जाएगा। हवा में ये स्मार्ट वॉच कोई भी रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती है। वहीं बात करूं मैं टेबल की तो वहां पे भी कोई रीडिंग प्रोवाइड नहीं करेगी, पहले पॉपअप बना जाता है प्लीज वेयर द वॉच प्रॉपरली करके। स्टिल मैं ये कहूंगा कोई सी भी स्मार्ट वॉच हो इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है, सीरियस में मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज किया करो। अब आते हैं यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी पे, तो अभी चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं सामने वाले को आवाज कैसी जाती है, हमको उसकी आवाज कैसी आती है। हेलो, हाय इमरान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताओ। बस भाई बढ़िया। अच्छा ये बता, आवाज सही आ रही है क्या मेरी? हाँ भाई, साफ आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। कोई ऐसी वो नॉइस तो नहीं आ रही बैकग्राउंड की? नहीं नहीं नहीं, जैसे फोन वोन से आती वैसी आ रही है? अच्छा, एक स्मार्ट वॉच आई थी उसी से कॉल कर रहा था, मतलब सही है, कॉल तो बात हो सकती है इससे। चल ठीक है, यही पूछ रहे हैं। ओके भाई, चल ठीक है। होप करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कॉलिंग क्वालिटी का एक आइडिया मिल गया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को इसकी कॉलिंग क्वालिटी कैसी लगी है। अब आते हैं कंक्लूजन पर और बात करते हैं कि आप लोगों को नॉइस कलर फिट इम्पैक्ट स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से 1700 रुपए में वर्थ बाइंग रहेगी यार, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मेटेलिक फ्रेम, वर्किंग क्रॉन, इसके अलावा बढ़िया बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ काफी सारे हेल्थ ट्रैकर्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने सारी चीज आप लोगों के सामने इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ, आप लोग खुद इतने ज्यादा समझदार हो, आप लोग वीडियो देख के समझ जाते हो आप लोगों को स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोग इस स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।